मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हाँ, आज ये हजारों समर्थकों के साथ जो आप देख रहे हो पूरे तरीके से भीड़, इन सबको ये सब आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी के नेतृत्व में घोषणा करने जा रहे हैं और हम पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं। क्या कारण रहा कि पहले सपा में गए और फिर भाजपा में वापसी कर लौट रहे हैं? देखिए, इस पर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमान। उत्तर प्रदेश के सियासत में अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल धर्म सिंह सैनी जैसा बड़ा नेता जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर समाजवादी पार्टी में कुछ ही महीनों पहले वो जो है शामिल हुए, लेकिन उसके बाद लगातार नजरअंदाजगी की वजह से वो फिर उन्होंने जो है बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक के बाद एक ऐसे नेताओं की जो कतार है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व से लगातार लोगों में नाराजगी है। और साथ ही पार्टी के भीतर नेताओं की अगर बात करें, परिवार के भीतर लोगों की बात करें, तो वो भी लगातार नाराज चले। शिवपाल यादव की अगर बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अब तक कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि धर्म सिंह सैनी मात्र एक ऐसे नेता ऐसे विधायक नहीं है जो पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, बल्कि ऐसे कई दर्जन भर विधायक पार्टी के भीतर इस वक्त मौजूद है जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव से पहले पहले अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में हम देखिए कि पिछड़ों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जताकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाला नेता अचानक से अखिलेश यादव के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ इतने तर्क जो एक तरीके से रखने लगता है और अचानक से वो बीजेपी में भी शामिल हो जाता है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा चुनाव से पहले धर्म सिंह सैनी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनके जाने के बाद उनके समर्थक और कई विधायक ऐसे हैं जो आने वाले समय पर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब देखिए कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने और समझने वाली है कि अखिलेश यादव ने उनको रोकथाम के लिए किसी तरीके की कोई कदम और किसी तरीके की कोई बात जो है वो नहीं कही, और यही एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। क्या अखिलेश यादव जानबूझकर धर्म सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी में जाने दिए, या फिर कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर दोनों नेताओं के बीच कुछ बड़ी अंतर्कलह जो है वो चल रही थी? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।